चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो? नहीं, आईएएस की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूं। आप तो पढ़े लिखे काफी सारे आंसर आ रहे हैं आपके पास। यही तो करते हैं हम और करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है मयंक। मेरा नाम है बल्लू कुमार। और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे आए और हम लोग वीडियो ना बनाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आज हम पूछेंगे लोगों से अलग अलग सवाल और देखते हैं उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, क्या जवाब देते हैं वो लोग। चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। कि इंडिया की पहली वुमन प्रेसिडेंट कौन थी? पहली वुमन प्रतिभा पाटिल। ये अभी जो हाल फिलहाल में वो हुई है, नाम मुझे फ्लिप हो गया दिमाग से। प्रतिभा पाटिल। इंदिरा गांधी। वुमन प्रेसिडेंट। वुमन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, इसका आइडिया नहीं है। एक गेस करो। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मतलब पी से नाम है। प्रतिभा पाटिल। हाँ। और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी। आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो? नहीं, आईएएस की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी। तुम्हारा नेशनल सॉन्ग है वो क्या है? हमारा नेशनल सॉन्ग है जन गण मन, आई थिंक। नहीं, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम है जन, ये वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और लिखा किसने उसको? ये रविंद्र चट्टोपाध्याय, कुछ ऐसा नाम था। नहीं, बंकिम चटर्जी। बंकिम चटर्जी है। वंदे मातरम। और ये किसने लिखा है? बी से नाम है इनका, बी से। बंकिम चंद चटर्जी। नेशनल सॉन्ग यानी जनगण मन, ये तो नेशनल एंथम है। वंदे मातरम। और वंदे मातरम जो है लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। हां, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा है। जन गण मन। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम। और वो लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नहीं, वो कोई लिखा है। बंकिम चंद्र नहीं, वंदे मातरम मुस्लिम थे, उन्होंने लिखा था। कुछ कुछ मोहम्मद करके था। मोहम्मद करके नहीं है। नहीं, बंकिम। लाइफलाइंस आपके, लाइफलाइंस है आपके पास 50-50 फोन ऑफ फ्रेंड। हां, बता दीजिए। बी से नाम है। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से राज्य में है? यूपी। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन वाला यूपी। उत्तर प्रदेश। स्टेट में आई थिंक उत्तर प्रदेश। और सबसे कम पॉपुलेशन कौन से राज्य में है? गोवा। बहुत इजी है, बहुत इजी। बांग्लादेश। बांग्लादेश तो इंडिया में नहीं है, लाइक बाहर है। ऐसे है, मतलब ऐसे है। सिक्किम। सिक्किम। गोवा। गोवा मे बी। गोवा। ऐसे है, ऐसे। सिक्किम। हां, सिक्किम। इंडिया में, इंडिया का ये सबसे कम। केरल। केरल। केरल नहीं है। गोवा। गोवा भी नहीं है। झारखंड। झारखंड तो बिल्कुल नहीं है। झारखंड नहीं। और अभी हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? रामनाथ कोविंद। अभी तो रामनाथ कोविंद है। और हमारे फर्स्ट पीएम प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। नहीं, और आप गेस करो। और तो कोई नहीं पता। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। हमारा जो नेशनल एंथम है वो क्या है? जनगण।
जनगणमन लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जनगणमन। और लिखा किसने? इसका तो पता था टैगोर है, टैगोर। हाँ टैगोर, रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, उसके फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? बी आर अम्बेडकर। अभी हमारे दिल्ली के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर? अरविंद केजरीवाल। जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें जो बीच में व्हील बनी हुई है उसमें कितने स्पोक्स हैं? मतलब लाइन। हाँ लाइन्स। ऑप्शन दे दो। हाँ दे दीजिए। 36, 12, 20, 24। 24 बिहार का कैपिटल क्या है? बिहार का, बिहार का नाम है बहुत फेमस है, पी से है, पटना। पटना बिहार की कैपिटल। मुश्किल में आया मैंने क्वेश्चन दे पा रहा है। वेस्ट बंगाल का? बाहर के देश पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, इंडिया का ही है वेस्ट बंगाल तो। सर कोलकाता है। कोलकाता वेस्ट बंगाल। हाँ वैसे चांद पे फर्स्ट गए थे नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन इंडिया का पहला आदमी कौन गया था? कल्पना चावला। नहीं आदमी, फर्स्ट आदमी। आर से नाम स्टार्ट है। राकेश, राकेश शर्मा। राकेश इंडिया के पहले गए थे वो। ठीक है, इंडियन कौन गए थे? राकेश शर्मा। कल्पना चावला। मेल में, मेल में दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा। राकेश शर्मा। थैंक यू। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। 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 आप तो पढ़े लिखे काफी सारे आंसर आ रहे हैं आपके तो। यही तो करते हैं हम, और करते क्या? सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने देखा कुछ लोगों को आंसर पता थे, कुछ को पता नहीं थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। एंड फॉर वेरीफाइड लवली वीडियोज सब्सक्राइब टू मयंक केशव फिल्म्स। जय हिंद।